हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मीठी चटनी की रेसिपी, जो किसी भी चाट के टेस्ट को दुगना कर देती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। यहाँ पर मैंने आधा कप इमली को गर्म पानी में 5 से 6 मिनट के लिए उबालकर ठंडा करके रखा है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मैश करेंगे और छलनी में से छान लेंगे। 1 कप हमारा पल्प निकला है, जिसको मैं एक फ्राई पैन में डाल रही हूँ। इसको हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि इसका रॉ फ्लेवर खत्म हो जाए। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हम आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और आधा टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, और लास्ट में हम इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसको कुक करेंगे। 1-2 मिनट बाद हम उसमें आधा कप चीनी डालेंगे, और अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, तब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। उसके बाद हम इसमें 1/3 कप पानी डाल रहे हैं, और अब इसको मीडियम फ्लेम पर करीब 8 से 10 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, क्योंकि ये चीनी और पानी का जो कॉम्बिनेशन है, वो चाशनी के जैसा पक जाएगा और ये बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छे से पक चुकी है। मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ, हमारी चटनी बनकर तैयार है। ये देखिए, हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको इतना पतला रखा है, आप चाहें तो इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं, बट ये ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, तो आप उस हिसाब से रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।